दोस्तों, ठंड का मौसम आ गया है और इसके साथ मौसम आया है एक ऐसी बीमारी का जिसमें सर्दी खांसी होती है, पर यदि हम ध्यान ना दें तो यह बीमारी खतरनाक हो जाती है, पर्सन की जान भी जा सकती है। वह बीमारी है स्वाइन फ्लू। पिछले साल फरवरी में लगभग 6000 से ऊपर केसेस रजिस्टर हुए थे, जिसमें से 70% केसेस सिर्फ राजस्थान के थे और मरने वालों की संख्या सैकड़ों में थी। दोस्तों, यह स्टैटिस्टिक्स देखकर थोड़ी चिंता हो सकती है, पर घबराइए मत। यदि हम प्रॉपर प्रिकॉशन ले और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। यह एक इन्फेक्शन है जो इन्फ्लुएंजा ए H1N1 नाम के वायरस से फैलती है। यह बीमारी अगस्त सितंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक फैलती है, क्योंकि इस वायरस को ठंडा एनवायरनमेंट चाहिए होता है। यह बीमारी ड्रॉपलेट से फैलती है, जैसे सर्दी, खांसी, छींक। स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स हैं सर्दी, खांसी, तेज बुखार, थकान, खाना खाने में मन ना लगना, साथ ही सांस फूलना। यदि पेशेंट की सांस फूले तो यह एक खतरनाक सिम्टम है और इस समय उसे एडमिट करना बहुत ज़रूरी है। यह सिम्टम ARDS में कन्वर्ट होता है, जिसका मतलब है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और इसी की वजह से पेशेंट की डेथ होती है। इसके डायग्नोसिस के लिए कुछ टेस्ट होती है, जैसे CBC, ESR, H1N1 PCR टेस्ट, नीजल एंड ओरल स्वैब, और इसके साथ चेस्ट का एक्सरे, जिससे पता चलता है निमोनिया का लेवल। इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे? यह बीमारी इन्फेक्शन होने के 4 से 5 दिन तक फैलती है, इसलिए जिस पर्सन को सर्दी खांसी जैसा कुछ सिम्टम दिखे तो उसे आइसोलेशन में रखे, ताकि यह बीमारी फैल ना सके। उसके साथ यदि हम कहीं भीड़भाड़ के एरिया में जाएं तो हम मास्क पहने और घर आके प्रॉपर हाथ धोए, हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करें। स्वाइन फ्लू के वैक्सीन्स भी होते हैं, पर आम जनता को ना भी लगाया जाए तो भी चलता है, क्योंकि यह वैक्सीन्स मेनली डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए होती है, जिनको रेगुलरली स्वाइन फ्लू पेशेंट से डील करना पड़ता है। होम्योपैथी में भी स्वाइन फ्लू का प्रिवेंशन बहुत ही अच्छा है। होम्योपैथी के कुछ ड्रग्स हैं, जैसे जेलसीमियम, ब्रायनिया, इन्फ्लुएंजम। यह मेडिसिन स्वाइन फ्लू के प्रिवेंशन के लिए दी जाती है। इसके ट्रीटमेंट में सर्दी, खांसी, बुखार को ट्रीट किया जाता है। इसके साथ न्यूट्रिशन की कमी ना हो, इसलिए फूड इंटेक प्रॉपर होना और हाइड्रेशन के लिए प्रॉपर मात्रा में पानी होना। कुछ होम रेमेडीज़ हैं जिससे पर्सन की इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है, जैसे नीम लीव्स को उबलते पानी में डालकर उसका स्टीम लेना। दूसरा, तुलसी को खाली पेट चबाना। तीसरा, पीसी इलायची और पीसी कपूर को पोटली में बांधकर उसे सूंघते रहना। प्याज, लहसुन, अदरक, यह सब के यूज़ से भी इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके साथ गरम दूध में हल्दी डाल के पीने से और विटामिन सी का इंटेक करने से, जैसे संतरा, लेमन, आंवला, टमाटर, गुआवा, यह बहुत फायदेमंद होता है। 1 कप गरम पानी में 2 चम्मच ब्राउन विनेगर और 1 चम्मच शहद, इसे खाली पेट पीने से बॉडी में वायरस को एक्टिव होने से बचाया जा सकता है। इसके साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बहुत इफ़ेक्टिव है। यह थी स्वाइन फ्लू के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको हेल्प करेगा स्वाइन फ्लू से बचने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि स्वाइन फ्लू की अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो और वो इसे प्रिवेंट कर पाए। मेरे और वीडियोज़ के बारे में जानकारी पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।